मैं एक जमाने में काम करता था, इंजीनियर था, चीफ इंजीनियर था, बल्कि जनरल मैनेजर था। 35 फैक्ट्रियां मेरे अंडर थी और इतना मेरा तजर्बा था कि मुझे मालिक भेजता था जहां कहीं कोई यानी खराबी आ जाती कि ठीक करके आए। और उस जमाने में मेरी कंसल्टेशन फी एक दिन का 1,00,000 रुपया थी। ये आज से 25-30 साल पहले की बात है। यानी डॉलर का रेट था 18 रुपए का डॉलर। अब आप सोचें कि 18 रुपए का डॉलर था और मुझे एक दिन का 1,00,000 रुपया मिलता था। एक शुगर मिल में खराबी आई, उन्होंने मेरे मालिक को फोन किया, चेयरमैन को, कि ये अपने इंजीनियर को भेज दें। मैं 7 दिन के लिए गया और 7 दिन वहां काम किया और 7,00,000 रुपया लेके आया। ऐसी मेरी जॉब थी। पूरे शहर में सबसे ज्यादा टैक्स मैं देता था, 65% टैक्स कटवाता था। 18 साल पूरे शहर का सबसे बड़ा टैक्स पेयर मैं रहा। इतनी आला नौकरी थी। लेकिन मैंने नियत की हुई थी कि जब मेरी उम्र 40 साल हो जाएगी तो मैं दुनिया की नौकरी छोड़ दूंगा और मैं फिर अपना पूरा जिंदगी का वक्त दीन के लिए गुजारूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर दीन के लिए वक्त देना शुरू कर दिया। जिस मालिक को छोड़ा था मैंने, उसने आज तक अपनी फहरिस्त में मेरा नाम लिखा हुआ है। मैंने उससे एक दफा फोन पे पूछा कि अब तो 25 साल हो गए, मैं कभी आया ही नहीं और आपने मेरा नाम फहरिस्त में रखा हुआ है। कहते हैं जी, हमने आपको नहीं छोड़ना, आपने हमें छोड़ना है। कोई मालिक देखा है जो अपने इंजीनियर का 25 साल इंतजार करे? अल्हम्दुलिल्लाह समझा, ऐसी मेरी जॉब थी। अच्छा, पिछले दिनों एक अजीब बात हुई। एक मेरा पुराना दोस्त जो था खुली, वो मिलने के लिए आ गया। अब उसकी बीवी मेरी बीवी को मिली तो उसने उनको वाकया सुनाए कि आपके हस्बैंड तो इतने बड़े इंजीनियर थे और मेरे खामिंद क्लास फेलो भी थे और इनके शागिर्द भी थे। वो कहने लगी कि हमारा तो ये हाल है, हम जहां इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो मेरा हस्बैंड उनको बताता है कि मैं तो हाफिज साहब का शागिर्द, वो जवानी में मुझे लड़का सा था, हाफिज साहब मुझे लोग कहते थे, तो मैं तो हाफिज साहब का शागिर्द हूं, तो 10,000 रुपया उसकी तनख्वाह वैसे ही बढ़ जाती है। कह जी, अच्छा आप उनके अगर शागिर्द हैं ना, इसका मतलब है आप मेहनती होंगे, दयानादार होंगे, काबिल होंगे, तो उनकी तनख्वाह 10,000 रुपया वैसे ही बढ़ जाती है। उसने अजीब गरीब बातें सुनाई कि आपके खामिंद की तो इतनी अच्छी जॉब थी, ये थी, वो थी, इतना उस जमाने में ये कमाते थे एक महीने एक दिन का 1,00,000, तो अगर आज इनकी जॉब होती तो पता नहीं तेरे माल तेरे खामिंद तो कहां होते, कहां होते। खैर, औरतें थी, आपस में बातें करती रहीं। जब मेहमान चले गए तो बीवी से मेरी मुलाकात हुई, तो बीवियां बीवी होती हैं, मुझसे पूछने लगी कि मुझे आज डिटेल का पता चला, आपने मुझे कभी बताई नहीं कि आपकी इतनी अच्छी जॉब थी और आपको इतना एक महीने की तनख्वाह मिलती थी। तो मैंने कहा कि क्या अल्लाह ने अब मुझे कारें बहारें नहीं दी हुई? कहने लगी, हाँ दिया हुआ तो अल्लाह ने सब कुछ है। मैंने कहा, फिर परेशानी किस बात की? कहने लगा, बस मैं ये सोच रही हूं कि आपकी जॉब अगर इतनी अच्छी थी तो आपके दिल में कभी नहीं आया कि मैं जॉब कर लेता? मैंने कहा कि 30 साल के अरसे में एक सेकंड के लिए भी मेरे दिल में कभी यह तमन्ना नहीं आई कि काश मेरी जॉब होती। तो फिर वो जरा मेरे और करीब हो गई और मेरा हाथ पकड़ के कहने लगी, आप मुझे सच सच बताए ना, कभी ख्याल ही नहीं आया? मैंने कहा, वाकई मेरे दिल में कभी ख्याल नहीं आया। कहने लगी, क्यों ख्याल नहीं आया? मैंने कहा, सच बताऊं कि मुझे बड़े की नौकरी करके ऐसा मजा आ गया है, अब छोटों की नौकरी करने को दिल ही नहीं चाहता।